मिस मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे यार अच्छा। अभी आ, दो महीना चार दिन हो चुके हैं आज मौका मिलेगा अगर आपको वहाँ जाने का तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं मैं तो भाई उनको सिर्फ हक करके खड़ा रहने वाला हूँ मुझे खुद लग रहा है टास्क बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं पहली बार आई थिंक सीजन में ऐसा हुआ है नाइन्टी परसेंट टास्क uh, कैंसिल हुए हैं गुस्से की जगह पर अगर किसी को सलाह या कुछ वैसे बात करना चाहूंगा तो उसमें दो तीन लोग हैं जिसके अंदर ऑफकोर्स पारस तो है ही मैं सिर्फ आसिम को इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि यार दोस्त मेरी बीवी ने दोस्ती निभाई है और जो सब लोगों ने देखा है उसने कोशिश भी की है उस दोस्ती को संभालने की एंड तक ऑफकोर्स सिद्धार्थ शहनाज आसिम शिफाली पारस और रश्मि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूं धर्म दुबे आप देख रहे हैं हिंदी रश और आइए आपको मिलवाते हैं

बिग बॉस में देख लेते हैं ना ना कर पाते हैं ना कुछ बता कुछ भी नहीं ना बात मैं इतनी सारी चीजें हुई हैं अभी बट उनको कुछ नहीं पता है तो जो खुशी होती है ना उनको सुनाने के बाद वो खुशी है ना दस गुनी हो जाती है अच्छा। तो अभी उनको कोई न्यूज नहीं दे पाया हूँ तो खुशी अभी कहीं ना कहीं अधूरी है अच्छा मौका मिलेगा अगर आपको वहाँ जाने का तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप मैं तो भाई उनको सिर्फ हक करके खड़ा रहने वाला हूँ जो भी टाइम मिलेगा पहले पूछ के आऊंगा कितना टाइम है भाई वहां जाने का अंदर चे. जितना भी टाइम होगा सिर्फ उनको हक करके बैठा रहूंगा मैं

मौका मिला फैमिली वीक फिटा जाने का तो, चार ही होंगे, आ, के। अच्छा। तो अब चार हफ्ते में मैं उनको कोई गेम प्लान बता के उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ तो इट्स बेटर कि आप नहीं करना आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और जस्ट गो विद इट आर विद दैट्स इट ये बताएं कैसा लग रहा है शिफाली अभी बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं बीच में आई थिंक उनको रिस्टरचाइज करने का टाइम मिला था तो एक दो हफ्ता उन्होंने थोड़ा अपना गेम चेंज अच्छा किया तो बट अभी जो कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं झगड़े से दूर हैं झंझट नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा कैमरे पे भी वो नहीं दिख रही हैं और जहाँ भी थोड़ी सी जोरदार आवाज़ की बात होती है वहाँ से भी वो हट निकल जाती हैं लेकिन जो वोट आ रहे हैं वो उन्हें ही मिल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा झगड़ा कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको ये नहीं यार अगर वो वोट मिल रहे होते तो शायद अभी आ, जब जब हम बात कर रहे हैं तो शिफाली बग्गा आई थिंक अभी बॉटम टू में थी शिफाली बग्गा मजूरी में तो शायद वो बॉटम टू में नहीं होती अगर कर झगड़ा करने से काम हो रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि झगड़ा करके ही आप लाइम में आ सकते हो बिकॉज मेरे हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग झगड़ा देखना पसंद करते हैं लेकिन उस झगड़े को सपोर्ट करना पसंद नहीं करते हैं तो उनको शायद मज़ा आता होगा देखने में इसलिए शायद उन दोनों को वोट्स कम मिली हैं बिकॉज आपने देखा होगा शिफाली बग्गा और मधुरमा जबरदस्ती का झगड़ा कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा इस बात से कि जो झगड़ा करता है वो ज्यादा दिखता है आपको दिखने के लिए आ, सेंसिबिलिटी होनी चाहिए बॉम्ब इसके अंदर बिग बॉस के घर में आ, टास्क और घर के कार्य ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिकली करते हुए दिखते हैं और शिफाली आप देख रहे होंगे सारे के सारे टास्क में हंड्रेड प्ले मोर देन हंड्रेड देती हैं घर के कार्य में वो बहुत टाइम से उन्होंने किचन संभाला हुआ है जो कि उन्होंने जिंदगी में बचपन से लेके आज तक वो कभी किचन में नहीं गई है रियली really? उन्होंने कभी आज तक घर पर खाना नहीं बनाया है उनको आता भी नहीं था खाना बनाना उनको रोटी तक बनाना नहीं आता था और अब बिग बॉस के घर में देख रही हूँ आटा भी गुनती है खाना भी बना रही है रोटियां बहुत अच्छी बनाने लगी है मैंने देखा उनका बिकॉज मैं पूरी गौर से देखता हूँ क्या क्या बना रही है मैं आके वो मेरे लिए भी मुझे फायदा नहीं हो गया मतलब इट्स गुड और क्योंकि मैं शिफाली को जानता हूँ जब भी कोई भी चीज करती है उसको मजा आता है हर चीज में इन्वॉल्व होने में

टास्क uh, कैंसिल हुए हैं अब वो उनकी uh, जो कंटेस्टेंट है, उनकी स्ट्रेटजी है आई थिंक स्ट्रेटजी नहीं है वो टास्क uh, को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली uh, ले रहे हैं आई थिंक जो कि फिजिकल हो जाते हैं फिर हर चीज़ के अंदर टास्क में डेफिनेटली ऐसी चीज कहीं ना कहीं एक ट्विच तो होता ही है या थोड़े बहुत फिजिकल होने के uh, नौबत आती है बट आप उसको uh, इतने एग्रेसिवली ना करके उसको दूसरे तरीके से खेला जा सकता है बट वहाँ सब लोग एग्रेसिव हो रहे हैं इस चीज को लेके इसलिए टास्क रद्द हो रहे हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जितने भी ऑडियंस हैं उनको बहुत मजा आता है टास्क को देखने में कि ये कैसे प्ले करेंगे अच्छा ये फन आ, मजा आएगा ये सब चीजें तो वो देखने को मिस कर रहे हैं इस बार आई थिंक सारे के सारे ऑडियंस धक्का मुक्की हो जाती है कई बार होती है चिल्लाहट होती है और खुद शिपाली के साथ भी होता है जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो क्या चलता है मैं तो मतलब आप पूछे मत मेरा दिमाग खराब होता है अभी जो कल के परसों के एपिसोड में Uh, उनको यहाँ पर चोट लगी थी ब्लड तक आया था बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो कभी भी सिंपति uh, uh, के लिए ना उन्होंने कैमरे पे झगड़ा किया ना कुछ कैमरे को जाकर दिखाया कि देखिए कितना बड़ा चोट लग गई है मुझे और वो कभी लाइफ में करती नहीं है ना उन्होंने सिम्पति कार्ड पे प्ले किया है ना कभी विक्टिम कार्ड प्ले किया है और वुमेन uh, uh, कार्ड प्ले किया है कि नहीं तुमने मुझे मारा है ये जब चीज़ वाट और इतनी इतना खून निकल गया किसी और को शायद निकला होता है किसी भी लड़की को या लड़के तक को निकला होता तो वो शायद कैमरे में बवाल कर देते ही शर्ट फटा था हाँ तो वो तो पूरी शर्ट को खोल के आ

किसी पर अपना गुस्सा जाहिर करने का तो किस पे करेंगे यार बहुत सारे लोग अभी तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया है मुझे भी बट अभी पहले बहुत गुस्सा आता था बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग हैं ना वो सब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपना गेम खेल रहे हैं उसकी वजह से तो दिल पे तो नहीं ले रहा हूँ मैं हर चीज़ को लेकिन हाँ अगर आ, आ, गुस्से की जगह पर अगर किसी को सलाह या कुछ वैसे बात करना चाहूँगा तो उसमें दो तीन लोग हैं जिसके अंदर ऑफकोर्स पारस तो है ही जो मैंने हर बार इस बात को किया है और ऑफकोर्स अभी मैं आसिम को भी थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि आसिम आ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गलत ट्रैक पर जा रहा है वो रीज़न शायद रश्मि की दोस्ती हो सकता है जो भी है और मैं सिर्फ आसिम को इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार दोस्त मेरी बीवी ने दोस्ती निभाई है और जो सब लोगों ने देखा है उसने कोशिश भी की है उस दोस्ती को संभालने की एंड तक लेकिन जब आपने कोई मौका नहीं दिया है तो ही शिफाली को आपकी टीम से दूसरी टीम में जाना पड़ा है और जब आप दोस्ती की बात करते हो तो शिफाली आप उन्होंने अभी नॉमिनेशन के टाइम पे बोला था कि तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान किया था तुम एहसान फरामोश हो तो बहुत सी एहसान वर्ड जो होता है ना बहुत बड़ा वर्ड होता है आपने क्या एहसान किया पहले तो मैं उनको ये पूछूंगा भाई आपने एहसान क्या किया है मुझे प्लीज़ एहसान बता दो मैं चुकाऊंगा चलो उस एहसान को आप बोलोगे करके पहले नहीं। नहीं। तो एहसान बता दो दूसरी चीज दोस्ती में कभी एहसान नहीं होते हैं अगर आप देखेंगे तो शिफ़ाली ने भले वो हिमांशी थी या भाऊ थे और आसिम थे उस टाइम पर शिफाली ने सबका ध्यान रखा है भले जब उनकी तबीयत खराब होती थी या कुछ भी चीज़ होती थी शिफाली सबसे पहले आगे रहा करती थी और हर फाइट में उन सबका सपोर्ट करती थी कोई भी रीजन रहा हो हिमांशी और आसिम के बीच में क्यूपिड शिफाली ने प्ले किया है उन दोनों को पास लाने में शिफाली का सबसे बड़ा हाथ है तो यहां पर तो बेसिकली अगर आप उसको एहसान दोस्ती में एक दूसरे के लिए कुछ करना अगर आप एहसान बोलते हो तो शिफाली ने शायद आपके ऊपर ज्यादा एहसान किए हैं okay. चलिए आपको शायद इसलिए लगता है कि एहसान फरामोश एक बहुत बड़ा वर्ड यूज करते प्रॉब्लम यह है वहां लोगों को है ना वर्डों का मतलब नहीं पता है इन वर्डों की अहमियत क्या होती है मीनिंग क्या होता है उन वर्डों का दीज आर दी, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं यार दुनिया में आज तक सलमान खान ने शायद नहीं बोला होगी मैंने तेरे ऊपर एहसान किया जबकि सलमान सर ने तो लोगों को कितनी हेल्प की है इन शब्दों का अब आप बात करते हो एहसान की बिकॉज शायद आप खुद ऐसे हो जिंदगी में इसीलिए आप उन वर्ड को यूज़ कर रहे हो uh, मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा कि टेक्निकली जब आप शो के अंदर आए थे आप सिद्धार्थ के साथ आप थे पूरी टीम आपने टोटली सिद्धार्थ को ये बोला था यार मैं बिल्कुल नया हूं मुझे नॉमिनेशन से बचना हैव टू तो गो आगे ये सब चीज़ें तो उस टाइम पर सिद्धार्थ ने कभी नहीं बोला कि उसने कभी तेरे ऊपर एहसान किया सिद्धार्थ ने दोस्ती के तरीके से उसको खींच के लेके गया आगे चल ठीक है हम दोनों साथ में बॉस हम दोनों ऐसा नहीं है कि आसिफ ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया दोनों ने बराबर दोस्ती यारी में दोनों आगे चले गए तो आप तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आपको लगा कि आप स्ट्रांग हो गए आपने सिद्धार्थ की जी पे मार दी तो बेसिकली एहसान फरामोश कौन हुआ फिर तो तो ये ये शब्दों के यूज वहां करो यार प्रॉब्लम वो है कि वो, वो बचपना है यार उसमें और कुछ नहीं है उसको बोलता है कि मैं बड़े बड़े मुश्क मुश्क शब्द का आपको पता है मुश्क का मतलब क्या होता बहुत हाँ है बहुत हार्ड शब्द है नहीं मुश्क का मतलब होता है खुशबू ठीक है ये बता दीजिए कि आप टॉप थ्री में किसे देख रहे हैं टॉप थ्री बड़ा भारी हो जाएगा यार अभी तो एक्चुअली देखना है तो टॉप और की बात कर लेते हैं टॉप फाइव देख लेते हैं टॉप पांच की बात कर मतलब ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शहनाज आसिम शिफाली पारस और रश्मि अगर देखा जाए तो मैं चाहूंगा मेरा ये मानना है कि जो शो को दे रहा है बेसिकली हु इज गिविंग समथिंग टू शो मैं पारस को नाम लेना चाहूँगा रश्मि से पहले क्योंकि रश्मि ने पहले दिन से शो को कुछ भी नहीं दिया है ना तो और आज के टाइम पे एक महीना के ऊपर हो चुका है छह हफ्ते हो चुके हैं एक महीने के ऊपर ही हो गया है कि उनके हाथ में चोट लगी हुई है ना तो वो घर में काम करती हैं और ना ही घर में किसी टास्क को वो करती हैं तो मुझे नहीं समझ में आता फिर वो वहां पे है क्या तो यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द शो अदर देन द सिटिंग बिचिंग लाइक लाइक वो वो नहीं कर पा रही है दे वो लीना को जैसे छुट्टी दे एग्जैक्टली उनको भी दे दो यार उनको भी दे दो तो आप है ना सिर्फ जो गांव में या कहीं साइड में शादियों में बैठ के ना दो औरतें कोने में बैठ के बातें करती रहती है तो आजकल तो आसिम के साथ वो ऐसी बातें करती रहती है आओ बहन तो आसिम को आसिम को थोड़ा सा आई थिंक रिस्टेटिजाइज करना पड़ेगा बिकॉज आसिम को लोग जानते हैं ही इज लाइक फाइटर वो ऐसे नहीं करता छोटी छोटी ये सब चीजें वो बिचिंग करके कि या किसी के बारे में स्ट्रेटजाइजिंग करके वो नहीं करता है नहीं। तो वो शायद आई थिंक उसको करना चाहिए अच्छा। तो वो भी जो चुग्लियां हो रही है वो आई थिंक उसके लिए रखा हुआ है उसके लिए तो किसी को भी रख लो यार रश्मि को रखने की क्या अच्छा जरूरत अच्छा 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 है सबका साफ तौर से ये कहना है कि रश्मि देसाई को बिग बॉस में नहीं होना चाहिए एज ऑफ नाउ शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग सिंस लास्ट मोर देन 4 वीक्स मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्यों रखा हुआ है Because ना तो वो यार बिग बॉस का सबसे बड़े होता का, भाई, आपको कार्य दिया जाएगा आपको हाँ आप मना कर दो कार्य करने से झगड़े करने वो अलग चीज़ है आपको कार्य करना पड़ेगा आपको टास्क करने पड़ेंगे वो दोनों ही चीज नहीं हो रही है तो ये तो सबसे बड़ा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बिग बॉस की आखिरी सवाल जाते जाते जाएंगे अगर मैं आपको नंबर वाइज कहूँ

तो वैसे अगर अगर जो लहर है जो सब लोग वो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो सिद्धार्थ ऑफ कोर्स अभी उनका आई थिंक फोर मिलियन ट्वीट्स आ, का भी समथिंग रिकॉर्ड बना यार तो दूसरे दूसरे तो, नंबर पर पर सिद्धार्थ हो गया बनाया और पता है अभी जो मुझे मेरी पर्सनल दिल की बताओ मैं आपको मुझे लग रहा है कि बीच में ना सब कुछ करके शहनाज ना जीत जाएंगे अच्छा शहनाज जीत सकती है मतलब ये चांसेस मुझे बीच में आसिम के लग रहे थे लेकिन शहनाज भी जीत सकती है यार तो ये बहुत बहुत क्लोज कंपटीशन है यार इनका मतलब ये बहुत पागलपंती है आसिम इनके बीच में ना बहुत क्रेजी रहने वाली आप 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 है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने <laughs> के लिए आप सोच सकते हैं जब पराग जो हैं इतने कंफ्यूज हैं तो आप कितने होंगे आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा दें और आप ज़रूर बताएं कि शिफाली वाकई में अच्छा गेम खेल रही हैं नमस्कार मैं हूँ पराग त्यागी और आप देख रहे हैं हिंदी रश आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ शेफाली को वोट करना बिल्कुल ना भूलें बहुत बहुत शुक्रिया